Class of Learning, you are with Rahul Sharma, your friend, guide or the mentor. And today I'm here to tell you about story writing. Sir, series kya hai story writing? Samajh aana thoda mushkil hai. Really, jo 10th pe padhe na, unse poochho yaar, wo sach mein jaate hain ki story writing kaise. Sir, bahut sare students mere paas, sir ye story writing kaise karni? Sir, generally agar main bolu, those who are my MA students, they too lack in story writing. Unko bhi kai baar sir, sir kaise likhen story? Aur aap chote bachcho ko story writing de rahe ho yaar. सर छोटे नहीं है, देन 10th स्टैंडर्ड और 10th पे आती है आपके पास स्टोरी राइटिंग आती और ये एक अच्छी चीज है तो फॉलो अप कर दी। तो मैंने कहा यार चलो आज इन बच्चों को थोड़ा ध्यान रखे ना, एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें बताया जाता है कि स्टोरी राइटिंग एक्चुअली क्या है, कैसे बनती है स्टोरी, कैसे क्रिएट करते हैं, किन चीजों को दिमाग में रखना है एक स्टोरी राइटिंग करते हुए, एंड द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी। तो ये वो चीजें, और आई रियली वॉन्ट यू गाइस to watch the still line, and those who are really doing their English honors, masters or mere subscribers, seriously guys, you too need to watch this. Your story writing definitely help karti hai hum sabko, aur hum to dramas bhi padhte hain, plays bhi padhte hain, even short fiction bhi padhte hain, to hume ye cheeze aani chahiye. Kahin na kahin aap mujhe justify kar sakte ho, sir aapne ye cheez nahi batayi hai. Sir agar ye cheez hoti to hum bhi story writing ka shuru kar dete, to yahan aap kar denge. Ha 10th class ke bachcho advantage hai kyunki aapko plot de diya jayega. सीरियसली आप एक प्लॉट देंगे, स्टार्ट जिसको बोलते हैं स्टार्ट, स्टार्ट दे दिया जाएगा, उस स्टार्ट को कंटिन्यू करना होगा। अब उस स्टार्ट को कंटिन्यू कैसे करना है और क्या क्या चीजें दिमाग में रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ स्टोरी, वो यहां बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो यहां नहीं मिलेगी आपको सीरियसली, वो ये है दैट यू मस्ट हैव अ गुड होल्ड ओवर टेंसेस। द सेकेंड, यू मस्ट बी परफेक्ट इन ए बी सी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, फ्लो ऑफ वर्ड्स आना चाहिए। And you must remember, sir, remember, not remember, क्या कि सर फुल स्टॉप है, कॉमा है, इनवर्टेड कॉमा है, इसके सेंस क्या है, पंक्चुएशन की परफेक्ट नॉलेज और एप्लीकेशन आनी चाहिए। एंड देन दीज पॉइंट्स, सर सबसे पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पर्सोना। ये क्या होता है, एवरी लिटरेचर स्टूडेंट, एवरी उनको ये पता है कि सर इट्स अ इल्यूजन वर्ड। पहले तो इमेजिन करना सीखो कि हम क्या स्टार्ट आपको मिल गया, दैट यू आर मूविंग ऑन रियली मिड नाइट ऑन अ रोड एंड यू आर अलोन एंड देयर वाज समथिंग रियली कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। खत्म, अब स्टोरी कंप्लीट करो। सर पहले तो इल्यूजन करो अपने आप को लेके कि आप सड़क पे आधी रात को चल रहे हो, अकेले हो, पूरी सड़क खाली है, वो कोई पीछे से आ रहा है, वो सर फॉलो कर रहा है, क्या हुआ, इल्यूजन वर्ल्ड जाओ, एक इल्यूजन वर्ल्ड में एक अलग ही दुनिया में जाओ। Try to imagine yourself. Then, catchy and attractive start. This really is going to give all the attention of reader. सारा का सारा reader पूरी attention दे देगा जब आप catchy start लेके आओ। Sir, मैंने देखा it was the midnight when I was really moving on a road and somebody was following me. It somehow been horrible and I was unable to think. Or I was in a dilemma. Really, I was in a dilemma that what is going to be next. Explanatory mark. एक दो तीन सर रीडर की अटेंशन आनी मेरे पे, वो पढ़ना चाहेगा मुझे, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, सीरियसली ही लव टू रीड मी। मैंने कहा वही आपने करना है, सबसे पहले वो स्टार्ट को फॉलो करके आपने क्या करना है, कैची वर्क आउट करना है, एक कैची स्टार्ट दे देंगे आप, एंड देन कम अप, ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू प्लॉट। सर प्लॉट मत भूलना, प्लॉट था आप रात को आधी रात को सड़क पर कैसे चल रहे थे, कोई फॉलो कर रहा था, हम लोग कई बार बेचारे भावनाओं से बहते हैं, बच्चे कहानी कहीं और ले आते हैं, आपकी स्टोरी को आपने छोड़ना नहीं है, आपका प्लॉट वही रहेगा, उस प्लॉट पे ही ध्यान रखना है। यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्लॉट। प्लॉट एक्चुअली क्या है, मुझे प्लॉट था कि मैं आधी रात कह चलता, मुझे वहीं से शुरू करना सब कुछ, तो बी ऑन योर प्लॉट। एंड देन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इंप्लीमेंट ऑल द थिंग्स एज अ नरेटर। सर आप ना कहानी बता रहे हो, यू आर टेलिंग द स्टोरी, यू आर द टेलर, और जब आप किसी से टेलर ना तो आपको रिपोर्टिव स्पीच रखनी है। मैंने पहले बोला क्लास में शुरू करते ही टेंसेस में होल्ड होना चाहिए, आप रिपोर्टेड में हो, ये पूरी एक रिपोर्ट राइटिंग है, आप बता दो इट्स नॉट अ ड्रामा, पहले क्लियर करना इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स अ फिक्शन, एक स्टोरी है जो आप नरेट कर रहे हो, तो इंप्लीमेंटेशन मैटर करती है, यहां पर टेंसेस पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस एज अ नरेटर, यहां आप एक नरेटर है। And then come up, try to introduce certain dialogues.
सो हाउ कुड आई इंट्रोड्यूस डायलॉग्स, क्यों मैं जब नरेट कर रहा हूं तो मैं किससे मिला, मैंने उसको कुछ बोला, उसने मुझे कुछ बोला डायलॉग, इससे क्या होता है, इससे ना जो रीडर है आपका वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ही विल बी विद यू। सर देखो वो लोग जिनको मैंने बोला आप लिखना शुरू करें बी ए राइटर, तो उनके लिए तो बहुत बहुत परफेक्ट चीज थी कि आप डायलॉग्स दो बीच में, उससे कहोगे इंटरेस्ट गैदर हो जाएगा एंड यू हैव डेवलप योर इंटरेस्ट। हाँ वो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ ये कुछ सही हो रहा है मेरे साथ। तो ट्राई टू इंट्रोड्यूस द डायलॉग्स विद हिम एंड देन रिमेंबर इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट यू आर राइटिंग। ये भूल जाता सर कई बार ना, कुछ फ्लो में निकल जाता है सर, इट्स अ स्टोरी राइटिंग। एक्चुअली आप नरेटर हो तो आप ना कई इवेंट्स को बता रहे हो, यू ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सर्टेन इवेंट्स इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, जिसमें आपने कहीं भी रीडर की अटेंशन नहीं खोना, क्योंकि जहां रीडर का अटेंशन या इंटरेस्ट खत्म आपके नंबर गए, उसको एक फ्लो दिखना चाहिए। मैंने क्लास शुरू करते ही बोला दैट यू गाइस नीड टू वर्क आउट ए बी सी, एक्यूरेसी बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, उसके अंदर ना पंक्चुएशन का ढंग से यूज आना चाहिए, कहां पे आपको उसकी अटेंशन कैसे करनी है। तो मींस आप इवेंट्स को एक सीरीज की फॉर्म में दे रहे हो, ऑल द इवेंट्स मस्ट बी नरेटेड बाय यू इन अ परफेक्ट मैनर एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर नाउ देयर मस्ट बी अ क्लाइमेक्स। कई बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं सीरियसली और एक बहुत नॉर्मल सी कहानी लिख के देते हैं, एक टीचर पढ़ता है पहली दो लाइनें पढ़ते हैं यार क्या लिखने वाला है, 10 में से 2 नंबर ज्यादा हो जाए 4 नंबर, हर मादी 5 नंबर, क्लाइमेक्स तो रखो, कुछ तो होना चाहिए जो टीचर चेक ना कर पाए, जो टीचर को लगे कि क्या होगा नेक्स्ट नहीं पता। मूवीज देखते हो यार सीरियसली, कई मूवीज तो शुरू होती ही खत्म होती, सीरीज दिमाग खराब होता है कहां गया, मार वे हियर, हम एक्सपेक्ट कर लेते रिजल्ट क्या होगा, अब क्या होने वाला है, उस मूवी का जीरो होता है क्लाइमेक्स ही नहीं। अभी सीन द सेट मूवी सर क्लाइमेक्स होता है, अब क्या होगा, व्हाट बी नेक्स्ट, नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, दैट मूवी मेक्स अ हिट, बिग हिट। तो ये आपकी मूवी यार, आप लिख रहे हो, यू आर द नरेटर, आप इस स्टोरी में क्लाइमेक्स लेके आओ, वो क्लाइमेक्स होना हाइट होना चाहिए, जो पढ़ रहा हूं उसका इंटरेस्ट उतना बढ़ जाएगा जितना क्लाइमेक्स होगा, उसको लगेगा हाँ दिस इज द बेस्ट राइटिंग आई हैव एवर रीड, डेफिनेटली 10 नंबर कंफर्म है आपके फिर। तो ये राइटिंग सेक्शन का वो सिक्सर है जो आपको लास्ट बोर्ड में मारना है, क्लाइमेक्स का ध्यान रखेंगे आप, क्लाइमेक्स है तो स्टोरी डेफिनेटली वर्क करती है मार्क्स के लिए। एंड देन द लास्ट बट द लीस्ट, हियर लास्ट बट द मोस्ट मोट, सर लीस्ट नहीं बोला उसने, उसने मोस्ट मोट इज योर स्टोरी मस्ट बी अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर। सर उस कहानी में ना वो जो रात को आधी रात को सड़क पे चल रहा था वो सेंट्रल कैरेक्टर था, द थीम मस्ट बी सराउंड, वो उसके चारों तरफ घूमनी चाहिए, अगर थीम उसके चारों तरफ नहीं है, अगर मेरी इंप्लीमेंटेशन गलत है तो मैं नंबर नहीं लेने वाला, सीरियसली। ये वो चीजें जो आपको स्टोरी राइटिंग करते हुए दिमाग में रखनी, यू गाइस मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग ए स्टोरी राइटिंग। सर स्टोरी राइटिंग क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सर हाउ आर बी एबल टू क्रैक अ गुड स्टोरी, बेस्ट वे टू बी अ मास्टर दिस, बुक उठाउट रिफ्रेशर की बात करूं, हेल्प बुक मार्केट में बहुत सारी, 1 2 3 4 5 अभी के लिए सिर्फ 5 बहुत है, 5 अलग अलग स्टोरीज पढ़ो, सीरियसली पढ़ो सर, कॉपी पेस्ट करने को नहीं कहा कि वहां से देखो यहां लिखो, 5 अलग अलग स्टोरीज पढ़ो, पढ़ने के बाद वही स्टोरीज अपने आप लिखो, पर वो बुक बंद हो जाए, लेकिन अब आपको वो स्टोरीज में कुछ अलग करना है, You guys need to do something different. कुछ अलग करना, स्टोरी का पॉइंट थोड़ा बदल देना, एंड देन कंपेयर, रीड राइट एनालाइज, 3 चीज बेसिक मंत्र ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द रीड राइट एंड एनालाइज, और फिर सर आंसर ड्रॉ लिखो, घर में जो भी सीरियसली जो भी रीडिंग में इंटरेस्ट है उसको दिखाओ, इसमें क्या गलती है, चेक नहीं कर रहा हूं, दिखाना है स्टोरी लिखी, मैंने लिखी अभी सेटिस्फाई नहीं, दूसरी दिखाओ, तीसरी दिखाओ, टीचर्स ढूंढो,
फ्रेंड्स ढूंढो अच्छे, थोड़े बड़े फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे, ढूंढो उनको दिखाओ। देख मैंने स्टोरी लिखी, चेक नहीं कर रहा उसको, मैंने स्टोरी लिखी, एप्रिशिएट मिलता है, अगर एप्रिशिएट मिलता है तो सच में कुछ काम किया, बोलता ठीक है तो आई नीड टू डू मोर वर्क। ये है स्ट्रेटेजी एक अच्छी स्टोरी राइटिंग लिखने की। होप गाइस यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दिस। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर और लाइक करें। द मोर यू शेयर द मोर पीपल गेट टू नो हाउ टू राइट इन परफेक्ट मैनर। टिल देन कीप वॉचिंग, न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, बाय गाइस।